ले लेंगे भाई, देखना खुला है अभी भाई, ऑर्डर लेके जा रहा है बंदा बाहर यार। हाँ और इसको देखो, ये सामान ढूंढ रही अपना। पूरा मैग्नेटाइज्ड होता है। गल पहला के दिखाओ। ये सबसे बेस्ट है, इसमें सारे कलर्स ही हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज ईद का दिन था तो थोड़ी छुट्टी हुई है। अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ, तभी आंखें भी ऐसी हो रखी है। अभी यही आया है अनुपम साकेत की मार्केट में, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आज का थोड़ा दिन लंबा जाने वाला है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी। आज थोड़ी चीज़ें भी है, जैसे मैंने बताया आज थोड़ा मैंने अमेज़न से सामान मंगाया था, वो सब भी खोलेंगे। एक्चुअली मैं रूम बिल्ड कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगाया था, और जैसा ट्रिपी सा रूम बना रहा हूँ। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, मोस्टली सब बंद है, बट हम यहाँ पे आए हैं ब्रेकफास्ट कॉर्नर के लिए चायोस। ये तो जाएगी चायोस, अगर मेरा मैकडॉनल्ड्स खुला है तो मैं जाऊँगा मैकडॉनल्ड्स। मेरा चायोस, अरे मैकडॉनल्ड्स भी खुला है तो चल फिर मैकडॉनल्ड्स। तेरे को मैकडॉनल्ड्स नहीं ले लेंगे भाई, देखना खुला है अभी भाई, ऑर्डर लेके जा रहा है बंदा बाहर यार। हाँ तो ऑफ कोर्स मैकडॉनल्ड्स के सामने कौन चाय जा सकता है। और इसको देखो, ये सामान ढूंढ रही अपना। बहुत मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए मैकमफिन जैसा ही मिला है, ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं थी, बट यू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तुम्हें पता छतरपुर की सबसे बेस्ट चीज क्या है? कुतुब मीनार भाई, ये लिटरली यार छतरपुर में जो सबसे बेस्ट चीज है ना मेरे को, वो ये लगती है। रात में पूरी लाइट जली होती है, इतना सेक्सी लगता है ना ये। बहुत ज्यादा सेक्सी है। तो वापस आ गए थे, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था मैं सुबह, तो हम थोड़ा घूम फिर के आके मैं सो गया था। और जो मैं बात कर रहा था रूम बिल्ड की, तो मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को एक ऐसा रूम बनाना था। देखो घर की वाइब एक अलग होती है कि एकदम सिंपल सोफिस्टिकेटेड, मेरे को एक रूम अलग से बनाना था जहाँ पे मैं अपना चिल कर पाऊँ। और एडिटिंग के लिए मैंने यहाँ पे सिस्टम वगैरह भी सेट कर दिया, और मैंने आज कुछ और सामान मंगाया है। मैं बस इसका वेट कर रहा था, इसमें इनके बेड है, तो मैं चाह रहा था कि एक सारी अनबॉक्सिंग वीडियो करूँगा। 4-5 दिन से आ रखे थे, बस ये बेड का वेट था, तो अभी एक बार खोल के दिखा दो। मैंने कुछ फोटो फ्रेम्स है, पोस्टर्स है, और एक लाइट मंगाई है। अभी लाइट का और भी सामान आना है, अभी दिखाता हूँ अभी के लिए मैंने क्या मंगाया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये दो आइटम्स, ये दोनों में फ्रेम्स है, मुझे तो एग्जैक्टली पता ही है कि इसमें है क्या। अपना टूल ये है भाई, अपना पहला फ्रेम। दूसरा वाला देखते हैं, बहुत ट्रिपी है सारे ना हमने जो भी मंगाया है। और अभी तो एक भाई रूम की पूरा ऊपर चारों कॉर्नर में लाइटिंग वाइटिंग का करना है, वो मेन है। और ब्लैक लाइट भी लगाऊंगा, उससे थोड़ा ना एकदम नियॉन इफेक्ट आ जाएगा। ये ना अपना दूसरा फ्रेम, ये बहुत ज्यादा ट्रिपी है। दो चीजें हो रहे हैं, अच्छा तो मेरे को ना एक्चुअली गेमिंग में भी करना है थोड़े टाइम में, तो मेरे को उसमें ना माउस में अच्छी ग्रिप नहीं बनती, तो मैंने माउस पैड मंगाया AK-47 वाला, उसको अभी लगा देते हैं।
एकदम परफेक्ट है, इसमें हो जाएगा मेरा बढ़िया। कीबोर्ड रखने के लिए अच्छी खासी स्पेस है। ये क्या है, ये भी कुछ पोस्टर्स ही हैं, ये फ्रेम्ड नहीं है, इनको देखता होगा मैं फ्रेम कराऊंगा या फिर नहीं। दो पोस्टर्स हैं अलग अलग। पहला तो ट्री ऑफ लाइफ, दूसरा क्या है, एक और साइकेडेलिक पोस्टर है। ये सब ब्लैक लाइट में बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे को ना ये बहुत टाइम से लेने का मन था, इसकी काफी वीडियोस ऑफ कोर्स आपने भी देखी होगी, ये काफी मेरे को अच्छा लगा था। ये है, इसका नाम है स्टार गैलेक्सी नाइट और ये एक एस्ट्रोनॉट है। कुछ चीजें दी गई है, इसके अंदर रिमोट है, स्टैंड है, वायर है और हमारा मेन पीस। एस्ट्रोनॉट पूरा मैग्नेटाइज्ड होता है ये, इसको मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा जब ये सारा मैं खोल दूंगा, उसके बाद इसका मैं आपको दिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट करता है ऊपर लाइट, मतलब जहां पे भी आप दिखाना चाहो, तो इधर एक गैलेक्सी टाइप इफेक्ट देता है। इसको अभी ऑन करके दिखाते हैं, इसमें सेल भी डालने पड़ेंगे। और हमने अब इनके लिए, भाई ये एक्चुअली ना बहुत टाइम से नीचे से वायर कर रहे थे, इनका गद्दा फट गया था, तो हमने बहुत टाइम से मंगाया नहीं था, ये हमारे साथ ही बेड पे सोते थे, तो मैंने इनके लिए बेड भी ऑर्डर कर दिया। ये वाला है बेला के लिए, ये पर्पल कलर है, अब इनको आइडिया भी नहीं है, तो काफी बड़ा है। हाँ बेला, ये किसका बेड है? ये है बेला के लिए, मैंने दोनों के लिए अलग अलग बेड मंगाए हैं। ये भी थोड़ा खुलेगा मेरे ख्याल से ना। हाँ ये है बेला के लिए, आ जाओ ये पे, कम बैठो। ये तो बेला का बेड है और मैंने दोनों के लिए अलग अलग कलर मंगाए हैं। मैंने इसके लिए पर्पल, ये एक्चुअली फोटो में थोड़ा पिंकिश सा लग रहा था, इधर थोड़ा पर्पल लग रहा है, पिंक कलर का होगा। और मर्सिडीज मंगाया मैंने रेड एंड ब्लैक। अब ये दोनों आराम से सोएंगे, अच्छी क्वालिटी का है यार। अगर आप लोगों को क्योंकि ना ये मैं बाहर से जाके लेता ना, ये मेरे को इतना बड़े साइज का 2000 से कम का नहीं मिलता, मैंने पहले लिया तो मेरे को पता है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये सिर्फ मेरे को 1000 रुपए का 1100 का एक पड़ा, मैं इसका ना लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो में नीचे, और जो भी मैंने ऑर्डर किया। आ जाओ आ जाओ। हाँ गुड बाय, गुड गर्ल बेला, गर्ल बेला के दिखाओ। बहुत बड़े बेड है, क्योंकि लार्ज डॉग्स है तो इसलिए डबल एक्सएल बेड मंगाया मैंने। मेरे को तो सही बताओ, मेरा तो सबसे फेवरेट ये था और ये एस्ट्रोनॉट, मेरे को ये बहुत अच्छे लगे आइटम। अब मैं आपको इनका ना ये सबको वॉल पे लगा के और एस्ट्रोनॉट के रख के एक बार ना सेटअप करके आपको वीडियो दिखाऊंगा। भाई तो पूरा रूम मैंने सेट कर दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट ही है, ये जो फ्रेम्स आए थे वो भी लगा दिए। बट उससे पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो में कनेक्टेड हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऑफ कोर्स मोटिवेशन रहता है एंड दैट मींस अ लॉट। बाकी ये देखो जो मैंने लगाया अभी। ऑलमोस्ट पूरा ही डन है रूम, थोड़ा सा ही कारपेट वगैरह मंगाना है बस। एस्ट्रोनॉट को मैंने लगा दिया था उसकी जगह, उसके साथ एक रिमोट भी मिलता है तो सही है, इजी टू ऑपरेट अगर आप दूर बैठे हो इसको दूर, क्योंकि ये ना कॉर्नर पे लगाने से ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी आती है। ये बहुत ज़्यादा ट्रिपी लग रहा है यार, इसमें आप रिमोट से इधर से चेंज भी कर सकते हो, बहुत सारे इसमें डिज़ाइन हैं, ये सबसे बेस्ट है, इसमें सारे कलर्स ही हैं। अभी थोड़ी रोशनी हो रही है बट स्टिल
उस हिसाब से भी अच्छा दिख रहा है। इसमें स्टार्स का भी ऑप्शन है, तो अगर आपको स्टार्स लगाने हैं तो देखने में कैसा लग रहा है, जैसे गैलेक्सी हो, काइंड ऑफ नेबुला। क्रेजी है यार, बहुत ज्यादा। और जो आपने इसका देखा कि जो ये क्या कर सकता है, उसके साथ ये एक अच्छा शोपीस के लिए भी काम आ सकता है। और ये 1600 का है, तो ऑफकोर्स मैं इसको रिकमेंड करूँगा। बाकी जितने भी आइटम्स लिए मैं सबका एक बड़ी लिंक डाल दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं चीपर से एक्सपेंसिव करूँ। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। देखो, अगर मेरे को थोड़ा भी एक्स्ट्रा रीच दिखेगा ना कि हाँ रीच हो रहा है, अभी ऑफकोर्स मैंने जब शुरू किया था कम थे, अभी बढ़ रहा है, मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ उस चीज़ों के लिए कि थोड़ा मेरा रीच बढ़े। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस पे ज़्यादा रीच बढ़े रादर देन शॉर्ट्स। तो उसके लिए मेरे को कुछ जैसे कमेंट्स, इफ़ यू कैन कमेंट कि आपको चीपर से एक्सपेंसिव देखना है तो आपको किस चीज़ का देखना है, तो मेरे को बता दो, मैं शायद उसी का कर लूँगा। या फिर सब्सक्राइब टू द चैनल, तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो कर ही लेना है कि कमेंट्स आप कर देना। अगर आपको चीपर से एक्सपेंसिव देखना है तो मेरे को बता दो कि हाँ भाई ये वाला, इफ़ यू हैव एनी ऑप्शन, तो मैं आपको शायद उसी का करके दिखा दूँ आज ही, एक दो दिन में। बाकी आज के लिए यही था, दिस वॉज इट फॉर टुडे। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।